हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परन्या रियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये है परन्या और ये है परन्या की मौसी। तो ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर। और मेरी मौसी जी की दो बेटी हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, पर दोनों ही मेरे से छोटी हैं। और ये है मेरी छोटी सिस्टर, तो ये दिल्ली से आई हुई है और मेरे घर। तो बोल रही थी दीदी, मतलब मैं ऐसा इनके जीजा जी गए हुए तो मैंने व्लॉग नहीं बना रही आजकल, जो वीडियो है वही डाल रही हूँ मैं। एंड बीच में एक व्लॉग गया था तो उसके बाद नहीं गया, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो ये जब से सुबह से आई हुई है मेरे पास, मतलब मेरी नानी का घर पास में ही है तो वहाँ आई हुई थी नानी के यहाँ, और बोला कि दीदी से भी मिलना है, दीदी घर जाना है। तो ये आई थी करीब 9 o'clock आई थी, है ना? तो 9 o'clock आई थी, तब से रिक्वेस्ट कर रही है कि दीदी व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, मुझे व्लॉग में लेना। तो मिलिए मेरी छोटी सिस्टर से, और नाम बताइए अपना। तो इनका नाम है पीहू और प्रियंका, जो कि प्रियंका स्कूल का नाम है। और ये बहुत खुश हैं परिन्या, क्योंकि इन्हें मिल गई सहेली, फ्रेंड मिल गई खेलने के लिए। तो ये सुबह से नहा धोकर और ब्रेकफास्ट वगैरह कर खेलने में ही लग रहे हैं दोनों, और घर घर खेल रही है ना। और जो टॉयज होते हैं ना, जो गैस वगैरह कुछ ऐसे कप प्लेट सबको चाय दे रहे बना बना कर, ये बार बार चाय पार्टी कर रहे हैं। तो ये टी पार्टी चल रही है इनके बहुत देर से खेल रहे थे। तो अभी मैं जस्ट अभी फिनिश हुआ मेरा काम सभी, बस अब लंच के लिए जा रही थी अब मैं किचन में। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूं एंड आपसे बात कर लूं और अपनी छोटी सिस्टर से मिलवा दूं। तो ये पीहू है, ये दिल्ली रहती है। हाँ, ये बोल रही है छोटी सिस्टर। बेटा ये मेरी छोटी सिस्टर है, तभी तो आपकी मौसी लगती है ना। बाहर से नॉइज आ रही है। मम्मी अभी देखो, अभी बोलूंगी। क्यों? हाँ बोलूंगी। हाँ तो ये देखिए, पलो खड़े होकर दिखा रहा हूँ। इनके ना कुछ पजामे लाई थी मैं इनके लिए, ऐसे दो पजामे और गरम। ओहो तो बड़े प्यारे हैं ये पजामे। और तो फ्रेंड्स और पीहू बोलेंगी, पीहू बताओ क्या बोलना चाहोगी इस ब्लॉग में, बोलो। और इनकी सिस्टर मम्मा सब देखती है, मतलब मेरी मौसी वगैरह सब देखती हैं। तो बोलो क्या बोलना चाहोगे अपनी बहन के लिए, मौसी के लिए, मतलब मम्मा के लिए कुछ बोलोगे? नो। वैसे बहुत बोलती हैं, बहुत एक्टिव है। बोलो क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं। ये पता है क्या, जब मतलब मैंने व्लॉगिंग वीडियो स्टार्ट किया था बनाना, तब ये भी बनाती थी दोनों सिस्टर, छोटी छोटी वीडियो डालती थी। बट फिर ये ना स्टडी है, तो मेरी बहन अभी 12th में है ना, कल ही 12th में ना, तो मेरी बहन 12th में है, तो फिर स्टडी टाइम होता है, तो फिर वो चीजें बंद कर दी इन्होंने। और वे ना बहुत बोलते थे वीडियोस में, और शायद जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक दो सब्सक्राइबर इनके भी थे वो, जो इन्हें वॉच करते थे और पहचान भी लिया होगा, बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पहचान भी लिया होगा। तो यही है पीहू, बोलो जब तो बोलते हो अपने व्लॉग में, तो मेरे व्लॉग में नहीं बोलोगे? अब तो मेरे बोलना ही छोड़ दिया ये करिए, अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया व्लॉग में। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ किचन में, और किचन का क्या है, आज है 8 तारीख 8 दिसंबर एंड कल थी 7 दिसंबर। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था ऐसे घर में बच्चों के साथ, और मेरी जो दीदी हैं और जेठ जी हैं उनके साथ। फूल वाला लाई थी मैं केक। हाँ तो ये बोल रही हूँ केक में फूल वाला लाई थी। तो फिर मैंने कोई मतलब कल व्लॉग ही नहीं बनाया, तो फिर मैं वीडियो का तो क्या होता, एंड छोटी छोटी वीडियो बनाई है तो शॉर्ट्स में देखूंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूंगी बेटा रुको। तो बहुत एंजॉय किया था कल, और मेरे हस्बैंड का मतलब हमने यहाँ बनाया, एंड वहां पर थे वो गुजरात में, तो उन्होंने वहां पर भी बनाया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। एंड अब है 8 तारीख, तो आज वही रूटीन है मेरा काम का। और हाँ बेटा केक है, अभी दूंगी तो अभी बेटा बात कर लूं अभी खाएंगे। चलो बड़ी मम्मी से ले लो आप, है ना? चलो बड़ी मम्मी से ले लो कि बड़ी मम्मी केक दे दो, ठीक है? आज मेरा भी बर्थडे है, ये बोल देना पीहू मौसी को भी दे दो आज। हाँ अरे ये तो बताना भूल ही गई मैं आपको, आज है 8 तारीख 8 दिसंबर, तो मेरी सिस्टर का भी बर्थडे है। एंड ये व्लॉग नाइट तक जाएगा, कोशिश करूंगी इवनिंग तक, मतलब नाइट टोटली नाइट तो नहीं, बट तो इवनिंग तक, जब तक इनका केक कट नहीं होगा तो इनका केक मैं यहीं कट करा दूंगी। और तो इनके जीजा जी ने बोला है कि कोई नहीं आज इनका बर्थडे है तो आप इनका केक कट करा देना, तो शाम को इनका केक कट होएगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो आज इनका बर्थडे है 8 दिसंबर का, तो आप लोग कमेंट में जरूर भर भर के इन्हें विशेस देना एंड बर्थडे विश करना। ओके तो तैयार हो रही है, है?
जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो 7:30 हो गए हैं, अब इनका केक कट होएगा, तो पनो पीयू जल्दी तैयार हो जा। और शाम के खाने में बनाई है मैंने, जैसे पूड़ियों की सब्जी बनती है ना, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी, जो कि हम पूड़ियों से खाने वाले हैं। और परिन्या का बहुत ज्यादा आवाज आ रही है अंदर से, और फिर मैं अब उसके केक की तैयारी करती हूँ काटने की। यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया रेडी, और अब मैं चलती हूँ अंदर, पीहू को देखती हूँ, उसका बर्थडे आज। रेडी हो गई है मेरी परिन्या भी हो गई। परिन्या पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड्स यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, रात का डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ पूड़ी और सब्जी बनाई है मैंने आलू की, और बच्चे पूड़ी बहुत पसंद करते हैं तो बच्चों के लिए पूड़ी बना रही हूँ, एंड बड़ों के लिए रोटी बनेंगी, तो बस मैं वही बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये खाना खा रहे हैं, अब मैं खाना बना लेती हूँ, एंड फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं लास्ट करती हूँ, एंड फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना हमारे इस ब्लॉग को, एंड तो फिर मैं मिलूंगी, बाय बाय। कि मेरी मम्मी है और पीहू का बर्थडे बन गया, और ये मेरी बिटिया, अब ये सब खाना खाएंगे, तो मैं खाना बनाने जाती हूँ। बाय बाय। आटा लग रहा है मेरे हाथों पर अभी भी।